राजकुमारी, दीपावली मनाएगी ना? हम मनवाते हैं तुम्हारी दीपावली। स्कूल में तो बच गई, देखते हैं यहाँ कैसे बचती हो। गिरा और कली ने उसे अपने हाथों से फेंक के बचा लिया। बेटा तुम ठीक तो हो? हाँ हम ठीक हैं। ये लड़की कौन है? सरकारी दफ्तर में इसका तो नाम दर्ज नहीं है। हमने आपसे पहले कहा था ये सरकारी मामला है, बस से बता दीजिएगा। अब नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। क्या हो रहा है यहाँ? जैसा बोल रहा हूँ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बिना इजाजत हमारे घर में घुसाने की, हमारी घर की औरतों से इस तरह से बात करने की? शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम खड़े कहां हो। विश्वास, थोड़ा थोड़ा नरमी से बात करो ना। ये सरकारी आदमी है विश्वास। हम इनकी नस्ल जानते हैं, इन्हें पैसे की बू यहां खींच कर लाई है। इतना परेशानी है रे तेरे माथा पर, हम समझते हैं। तुम्हारी माँ के स्थान पर है ना, समझते हैं। माथे की भरी और मन की बीमारी तभी उतरे जब खुद उतारी। अब चिंता तो हम ही लोग पाल पोस के बड़े किए हैं ना। ये मंजरी समझती है जेठी भाभी के सीने में दिल नहीं है, दिल है छोटा सा है, कुल और परिवार समाया है इसमें। ये दुनिया जहान के अनाथ बच्चों के लिए इसमें कोई जगह नहीं। बिस्वा समझ रहा है ना? बिस्वा, जब तक ये काली इस घर में है, हमारा कुल और परिवार पर संकट तो आता ही रहेगा। पर ये पापा कौरी से कितना प्यार करते हैं। अगर हमारे भी मम्मी पापा होते तो वो भी हमसे बहुत प्यार करते। चेटी माँ कह रही थी कि हम अनाथ हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। हमारे मम्मी पापा कौन हैं? इतना बता दो फिर हम सो जाएंगे। ये बच्ची मर जाने वाली थी, इसके माँ बाप ने जिंदा काट दिया था इसे। ये वो काली गुड़िया है जो हमेशा हमारे आंगन में रहेगी। ये जिएगी सिर्फ और सिर्फ हमारी बेटी की तरफ उठने वाली हर बुरी नजर को काटने के लिए। ये सारी जिंदगी हमारी बेटी गौरी का काला टीका बनके रहेगी।